2025 में पूरे पूर्ण बहुमत से हम बिहार में सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी समस्त बिहार के युवा नौजवान हमेशा प्रयासरत रहे हैं और उनका रोजगार सृजन करने में उनका सर्वश्रेष्ठ योग जो कार्यकाल था उसमें भी था। और आगे आसमान मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, वो मेरा हम सकल है, मैं उसका हम सकल नहीं हूँ जी। सिर्फ और सिर्फ इंडिया महागठबंधन बात करती है और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बिहार पूरा बिहार अशोक महतो का जलवा रहेगा, पूरा बिहार में अशोक महतो अशोक महतो का जलवा रहेगा। इनका भांजा है, हाँ, चार सीट पर जो चुनाव हुआ है प्रथम चरण का वो तो हम ले चुके हैं, अब बचा 36 गो सीट, वो 36 सीट भी हम लेंगे। 56 इंच का जो सीना अपने आप को साबित करते हैं उनके 56 इंच के सीने से निकाल के लेंगे। और समस्त बिहार की जनता परिवार इस बात को समझ चुकी है कि सिर्फ प्रलोभन से ये देश और सरकार नहीं चलती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। आज हमारे युवा साथी बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है, दवाई की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है, इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया महागठबंधन बात करती है और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बात करते हैं। जैसा कि आपने उनके स्लोगन में भी सुना है, सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई, जो कि जनता को चाहिए, जनता के हित की यही चीज है। जनता को जो बेसिक जरूरत है, अच्छी सड़क हो, रोजगार हो, अच्छी चिकित्सक व्यवस्था हो, अच्छा शिक्षण संस्थान हो, बाकी कमाता कमाता सब खुद अपने आप है। बस नेतृत्व से ये चाहिए कि हमें एक सुसज्जित और खूबसूरत समाज हो, एक खूबसूरत सुसज्जित जिला हो, एक खूबसूरत सुसज्जित राज्य हो, तब हमारा देश खूबसूरत होगा, सुसज्जित होगा। अभी जैसे आपने नौजवानों, दलित, महादलित, अभी पिछड़ा का बात किया, क्या नौजवानों, दलित, महादलित सब आपके साथ हैं? बिल्कुल सभी साथी मेरे साथ हैं। आज तेजस्वी जी ने जो विगत 17 महीनों में 5 लाख रोजगार दिया वो किसी विशेष जाति को नहीं दिया, समस्त जाति परिवार को उन्होंने, हर सर्व धर्म सर्व जाति के नौजवान साथियों को नौकरी देने का काम किया। और जिसमें जैसी एबिलिटी थी पढ़ लिख करके कंपटीशन में आए और कंपटीशन पास करके आज नौकरी कर रहे हैं। क्या फिर से इस बार तेजस्वी यादव जब आएंगे सरकार में, लग रहा है फिर से नौजवानों के लिए, यहाँ के छोटे छोटे जो मजदूर है उनके लिए आवाज उठाएंगे और उनके लिए 2025 में पूरे पूर्ण बहुमत से हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी समस्त बिहार के युवा नौजवान साथियों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और उनका रोजगार सृजन करने में उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान हमारे चाचा जी के साथ जो कार्यकाल था उसमें भी था और आगे भी रहेगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम सौरभ जायसवाल, मैं मुंगेर जिला राजद का प्रवक्ता हूँ। थोड़ा थोड़ा किसी नेता के साथ लगता बोलते भी, और देखिए कोई देखिए चिराग पासवान मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, वो मेरा हम सकल है, मैं उसका हम सकल नहीं हूँ जी। क्या लग रहा है चिराग जी यहाँ का हनुमान बन चुके हैं मोदी जी का, क्या लग रहा है हनुमान जी को? चिराग जी अच्छे नेता हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान बजरंगबली, हनुमान जी वो एक इंसान, कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को हनुमान जी से। भगवान का कंपेयर अगर कोई इंसान कर ले तो समझ लीजिए वो इंसान का धरती में गढ़ जाना उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है जो हनुमान के नाम को अपने आप से जोड़ता हो, अपने आप को जोड़ता है। अच्छा क्या कहेंगे मुंगेर वासियों से, क्या कहेंगे मुंगेर वासियों से, अपील क्या कर रहे हैं आपके सांसद जो अभी आए हैं, देख रहे नॉमिनेशन करा लिखा उनके लिए क्या? मैं मुंगेर के समस्त जनता परिवार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मुंगेर की उन्नति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, मुंगेर को उन्नत और खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आप इंडिया महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अनिता महतो जी को मतदान करें और भारी बहुमत से जिता करके उनको एक ताकत दें कि आपका मुंगेर विकसित हो, उन्नत हो और खुशहाल हो। आज मुंगेर में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसको कि हम टूरिस्ट हब में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आज तक इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूर्व में जो हमारे सांसद महोदय थे वो क्या किए नहीं किए ये समस्त मुंगेर की जनता परिवार को जानकारी है कि वो क्या कार्य करते हैं, लेकिन आज आपको मुंगेर के 3 दिशा में गंगा बहती है। मुंगेर हमारा बहुत खूबसूरत जगह है, ये जो मातृभूमि है मुंगेर बहुत ही खूबसूरत जगह है, बस इसको सजाने और संवारने की आवश्यकता है और वो अनिता महतो जी के नेतृत्व में हमारा मुंगेर आने वाले वक्त में उन्नत और खुशहाल बनेगा बनेगा। जैसे कह रहे हैं अनिता यहाँ की बेटी है, क्या बेटी के झोली, बेटी के आंचल में पूरा मुंगेर के वासियों को प्यार दुलार आशीर्वाद भर भर के मिलेगा? जरूर मिलेगा। जनता परिवार इस बार परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि आपको बता देते हैं 1996 से आप नोट कर लीजिए कभी भी दोबारा पलट करके सांसद एक साथ नहीं बना है, इस बार परिवर्तन तय है। इस बार अनिता जी
2 लाख के भारी बहुमत से मुंगेर की सांसद होने जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ छोटे चिराग थे, इनका नाम क्या बोलते हैं? मेरा नाम सौरभ जसवाल है, मैं मुंगेर आरजेडी का डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन हूँ। चलिए सौरभ, इनका कहना था कि इस बार हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं, बहन अनीता जो इस बार है हम लगभग 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं और इस बार बाहरी नहीं चले, इस बार हमें घर की बेटी चाहिए और हमें से चुन लिए। और आपका क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे केडन न्यूज, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।